दीदी सेब कितने के दिए हैं? सेब 5 रुपए किलो। और अनार? बेटा अनार भी 5 रुपए किलो है। मम्मा इतने सस्ते फ्रूट, पर इस बच्चे को इतने सस्ते फ्रूट क्यों दे रहे हैं ये? छोड़ो ना, चलो हम भी खरीदते हैं। अरे अरे चल छोड़ ना, हमें क्या करना, चल तू घर चल। आप बताओ आपको क्या चाहिए? दोनों दे दो। ठीक है, तुम सेब पैक करो, मैं अनार पैक करता हूँ। ये लो आपके 10 रुपए हो गए। दीदी ये लो आपके पैसे। आराम से जाना। ये लीजिए। अरे आपको क्या चाहिए आज? दीदी बस आज आप अंगूरी दे दो, मेरे पास बस आज 5 ही रुपया। अरे तो क्या हो गया, आपको पता है अंगूर तो बस 3 रुपए किलो है और ये संतरे ये 2 रुपए किलो है। अगर आप बोलो तो मैं दोनों पैक कर दूं। हाँ ठीक है। मम्मी वो देखो, वो लड़की आज भी कम दाम में फ्रूट बेच रही है, आज खरीद ले। ये लो आपके 5 रुपए हो गए। लो दीदी आपके पैसे। ठीक है हाँ चल ले लेते हैं। संतरे कैसे दिए? संतरे 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? पर अभी अभी वो बच्चा गया है, उसे तो इतने सस्ते दिए हैं और हमें इतना महंगा बता रहे हो, ऐसा क्यों? आंटी जी उसे हम जानते हैं, यही पास वाली गली में रहता है, बेचारा बहुत गरीब है। उसके पापा 2 साल पहले ही गुजर गए और उसकी माँ बहुत बीमार रहती है। डॉक्टर ने कहा है फल फ्रूट खाएगी तो जिंदा रहेगी, वरना कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बस इसलिए उसे हम कुछ पैसों में ही दे देते हैं। पर बेटा अगर मदद ही करनी है तो फ्री में कर दो, 2-4 रुपए भी लेने की क्या जरूरत है? आंटी जी आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत कोशिश की कि उस बच्चे को सामान फ्री में दे दूं, पर वो क्या है ना गरीब इंसान बहुत खुददार होता है, वो बच्चा फ्री में लेके जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता ही है, इसलिए बस मैं उसे पैसे ले लेती हूँ। पर वैसे भी वो तो छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता कि कौन सा फल कितना महंगा है। पर बेटा एक आध दिन की बात होती तब तो ठीक था, पर ऐसे रोज रोज इतने सस्ते फ्रूट उसे दे दोगे तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम्हें क्या बचेगा? नुकसान तो होता ही आंटी जी, पर वो क्या है ना उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसे देख के हम सारा नुकसान भूल जाते हैं और वही हमारी कमाई हो जाती है। आपको पता है हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, बिना माँ बाप की जिंदगी कितनी बुरी होती है ये हमसे बेहतर कौन जानता है। बस इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि कोई और बच्चा भी अनाथ हो हमारी तरह, क्योंकि जिंदगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए हम उसकी मदद कर देते हैं। और वैसे भी पैसे का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल कमाई लेंगे, इसी बहाने थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लेते हैं। अरे वाह बेटा तुम उस बच्चे के बारे में कितना कुछ सोच रहे हो। बेटा मैं सोच रही थी कि मैं भी उस बच्चे की कुछ मदद कर दूं। पर वो कैसे? बेटा वो पैसे देना। बेटा ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, इससे तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं होगा और उस बच्चे की भी मदद हो जाएगी और मुझे भी कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। शुक्रिया आंटी जी। आप कुछ लेंगी? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। देखा भैया अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। सही कह रही हो तुम।